उनके अफसरों से मिलता हूं, वो वही बात दोहराते हैं जो मरकज की हुकूमत उनको कहती है कि कश्मीर में एक नया दौर शुरू हुआ है, तरक्की आई है, टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं कहता हूं ना, टूरिस्ट कब नहीं आए थे? टूरिस्ट कब लोगों की जिंदगी में कोई खास बेहतरी नहीं आई है? जम्मू कश्मीर के लोग तो परेशान है ही हैं। अरे वो लोग जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी, जिन्होंने पटाखे जलाए, आज वो परेशान है। टीवी खोल के लद्दाख का हाल देखिए, वो लीडर जो 5 अगस्त 2019 को एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कह रहे थे हम आज आजाद हो गए, कश्मीरियों की हम तानाशाही से बच गए, आज 21 दिन वो भूख हड़ताल करके जूस का ग्लास कल पी गया था, क्या कहता है? कहता है कि आज के दिनों से बेहतर तो हम कश्मीर के साथ थे, इससे अच्छा है हमें वापस जम्मू कश्मीर के साथ मिलवा दो। ये उनका हाल है आज। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिंदा जिंदा नहीं चलेगी। कश्मीर हमारी माँ है, जिंदा जिंदा नहीं चलेगी। कश्मीर हमारी माँ है। तभी तो हम कहते हैं कि ये 5 अगस्त का फैसला जो है ये हमें काबिले कबूल नहीं है, लेकिन ये मानते नहीं है। आपको क्या लगता है कि अलायकी पसंद लीडरों के बच्चों को, पोतों को, पोतियों को आप इश्तेहार डलवाओगे तो आप उनका दिल जीतोगे? दिल इस तरह नहीं जीता जाता, दिल डरा के धमका के नहीं जीता जाता। हमारे लोगों को उस वक्त इश्तिहार डलवाना वो भी गलत था, लेकिन आज इन बच्चों से, बच्चियों से इश्तिहार डलवाना ये भी गलत है। इससे लोगों के दिल नहीं जीते जाते। और वजीर आजम साहब बार बार कहते हैं कि दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी वो दूर करना चाहते हैं। अगर